सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है। सुजलोन एनर्जी के अंदर आज के दिन आप देखोगे लगभग आपको 8.5% के आसपास तेजी बनते नजर आई है। स्टॉक ने जो आज हाई लगाया 10 रुपये का, इस शेयर को लेकर मैंने आपको पहले बोला 10 रुपये के लेवल स्टॉक आज के दिन आपको दिखा देगा। सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ऐसे में अब मेन बात आती है स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में। कमेंट आ रहे हैं कि सर लास्ट से सेशन में आप देखोगे क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर जो ना स्टॉक आपको कल के दिन अच्छी ओपनिंग दिखाते हुए नज़र आ सकता है इसलिए बोल रहे हैं। तो भाई ऐसे में आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो गिरावट हुई थी पीछे उसका रीज़न आपको समझ में आ गया मार्केट का था। आज मार्केट के अंदर आप देखोगे काफ़ी शानदार तेजी बनी हुई है और यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 18,000 फिर से पार हो चुका है। काफ़ी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं मार्केट की तरफ से। वहीं आप देखोगे जो सेंसेक्स है वो भी आपको जो ना अभी 60,000 प्लस जाते हुए नज़र आ चुका है। तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है, मार्केट के अंदर फिर से रिकवरी आई है। रिकवरी के पीछे का रीज़न आपको पहले ही अवेयर कर बता दिया गया था। यहाँ पर अब मेन बात आती है भाई, यहाँ पर आप देखोगे सुजलोन एनर्जी को लेकर कल के लेवल्स, तो कल के लेवल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी जो बाय सेलिंग के ऑर्डर देखने को मिल रहे पहले, तो वो आप देखिए सेलिंग के लिए और बाय के लिए। बाय के लिए 2,69,00,000 के आसपास और जो सेलिंग है 3,33,00,000 के आसपास, यानी सेलिंग ज़्यादा है। ऊपर के लेवल से आप देखो 10 रुपये के आसपास स्टॉक पहुंचा था ना, उस लेवल से इंट्राडे में आज के दिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। इसी वजह से स्टॉक पहुंच चुका है 7.75 रुपये के अराउंड देन आया है ऊपर के लेवल से, यानी 25 पैसे टूट चुका है। वहीं आप देखो कि डिलीवरी पोजिशन की बात करिए तो 20 करोड़ के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली है। डिलीवरी वाला आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 6,29,00,000, यानी 30% डिलीवरी जो ना आज के दिन उठाई गई है हाल फिलहाल जो डाटा निकल कर आया सामने। इन सबको देखते हुए आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर कल भी तेजी बनना लाजमी है, कल भी स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी। कल के लेवल्स क्या रहेंगे ठीक है उसके ऊपर हम जो ना चार्ट देखते हैं, चार्ट पर क्या इसके लेवल्स निकल रहे हैं। तो चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट के ऊपर मैंने आपको सुबह भी इसके लेवल बता दिए थे। यहाँ पर आप देखोगे सुबह सुबह अच्छी बाइंग देखने को मिली, उसके बाद बीच में आपको एक इन्वर्टेड हैमर बनते नज़र आया है, यानी ऊपर के लेवल से जो माल है वो निकाला गया है, यानी सेलिंग हमें देखने को मिली, प्रोडक्ट बुकिंग देखने को मिला है। हाई लेवल से आप देखोगे 10 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर पहुँचा, उस लेवल से करेक्शन हमें देखने को मिला थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई बीच में आप देखोगे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला स्टॉक के अंदर से। बट कोई बात नहीं, यहाँ से आप देखोगे इसका जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा पहला कल के लिए वो रहेगा 10 रुपये 30 पैसे का। अगर स्टॉक आज के दिन भी 10 रुपये 30 पैसे को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 10-30 का। अगर ब्रेक होता है उसके बाद स्टॉक के जो ऊपर में लेवल रहेंगे, यहाँ पर आप देखोगे भाई इसका ऊपर में तो 12 रुपये का लेवल निकल रहा है, लेकिन कल का रेजिस्टेंस रहेगा 12-30 का। फिर इसके ऊपर में जो टारगेट है यहाँ पर आप देखोगे 11-10 के लेवल स्टॉक हमें दिखा सकता है ऊपर में। तो स्टॉक के अंदर रिकवरी बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड को ऊपर में ब्रेक करता है फिर स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो कम ही बनने के चांसेस है भाई, इसका टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर में। अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है अच्छी बात है, स्टॉक में जो ना भाई फिर से एक न्यू बाउंड वीक हाई जो क्रिएट करते हुए स्टॉक हमें जो ना नज़र आने वाला है। जी हाँ, न्यू बाउंड वीक हाई। तो कल के लेवल्स आई होप आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।